नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स पर एक एंगल जो बहुत ध्यान देने की बात है वो है, एक महिला घर बना सकती है और घर बिगाड़ सकती है। एक महिला क्या कर सकती है वो इस मूवी में दिखाया गया है। कैसे सोते हुए राक्षसों को जगाया जा सकता है वो भी इसी मूवी में दिखाया गया है। पल्लवी जोशी ने जो किरदार निभाया है, एंड आई एम रियली इन ऑफ पल्लवी जोशी इज एक्टिंग, because she's made us hate her through this movie. I mean, the performance is so powerful. Pallavi Joshi ke is kirdaar ke baare mein aaj baat karne ke liye hamare saath hain the very respected Aarti Tikku ji. Aarti Tikku ji ko kisi bhi introduction ki zarurat nahi hai. TV channels and social media pe inki charchaein hamesha hoti rehti hain, and she is one of the most known personalities who's been displaced from Kashmir. कश्मीर जेनोसाइड की सबसे बड़ी विक्टिम रही हैं। इस मूवी में जो किरदार निभाया है पल्लवी जोशी ने, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप उसको कैसे इलैबोरेट करती हैं और रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करती हैं? देखिए, पल्लवी जोशी को मैं पहले से बहुत एडमायर करती थी क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और उनकी जो क्षमता है एज एन एक्ट्रेस उस पर तो कभी भी किसी को संदेह नहीं था। लेकिन इस मूवी में द कश्मीर फाइल्स जो उनके पति विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है उन्होंने बनाए, उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने जो किरदार निभाया वो सच्चे किरदारों पे आधारित है। वो कुछ कुछ निवेदिता मेनन जो है प्रोफेसर जेएनयू की, और कुछ कुछ अरुंधति रॉय, उन दोनों का मिश्रण मिला के एक किरदार जो उभर के आता है वो पल्लवी ने निभाया इस मूवी में। और इतनी इतनी बे मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी परफेक्शन के साथ उसको निभाया है कि आपने जैसे कहा कि आप एक विक्टिम होने के नाते, मैं जेनोसाइड की विक्टिम हूँ, मैं जेनोसाइड की सर्वाइवर भी हूँ, और उसके होते वाकई उससे आप नफरत करते हैं उस फिल्म में, लेकिन वो तो सिर्फ किरदार है। और उन्होंने जो निभाया है और बखूबी निभाया है, उन्होंने भारत की जो इतिहास है 1947 से लेकर, मतलब आज़ाद भारत का जो इतिहास है, उसमें उन लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने हम लोगों के का जो नरसंहार हुआ, हम लोगों का जो जनसंहार हुआ उसको वाइट वॉश किया, उसको झूठ करार दिया, उसको बिल्कुल ट्रिविलाइज किया, उसको कुछ माना ही नहीं, उसको कोई कोई रिकग्निशन ही नहीं दी, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं की। तो ये जो कलाकार, ये जो मैं कहूँगी पल्लवी जोशी ने एक किरदार निभाया है, लेकिन कलाकार तो ये लोग हैं जिन्होंने ये एग्जैक्टली अगर हम टिकू जी अगर हम बात करें निवेदिता मेनन, हु इज शी इन रियल लाइफ, बिकॉज वी हैव हार्डली हर्ड हर नेम। अरुंधति रॉय हैज बीन फेमस बिकॉज शी रोट अ बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एंड हर बुक वन अ प्राइज, एंड ऑब्वियसली हाउ द बुक्स आर winning prizes, we all know that, or awards, how they are sponsored awards. I think Nivedita, it's not true. Menon JNU ki ek professor hai, aur main bhi inko nahi janti thi kuch saal pehle tak. Jab JNU mein wo bahut bada kissa hua, Bharat tere tukde tukde, usse pehle hi waise JNU ke bare mein ek image to ban chuki thi, kyunki Nivedita मेनन, मैं निवेदिता मेनन की बात कर रही हूँ, निवेदिता मेनन जो है वो जेएनयू की प्रोफेसर थी, और उस वक्त पे ये इन्होंने, चूंकि जेएनयू का कल्चर ही वही था, तो इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी जो बेहद दुखद बात है कि ये लेफ्ट जो है इनको समझ ही नहीं आया कि इंडिया में पिछले, ठीक है लेफ्टिज्म मार्क्सिज्म का अपना एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कैपिटलिज्म के खिलाफ, वहां तक समझ आता है, लेकिन वो इस्लामिस्ट के फेवर में क्यों है, सपोर्ट में क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे वही हुआ, जेएनयू में इस्लामिस्ट के साथ में खड़े हुए लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, लेनिनिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, स्टालिनिस्ट जो अपने आप को कहते हैं,
वो इस्लामिस्ट जो एक रेडिकल रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस कंजर्वेटिज्म के भी आगे है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म फिर भी आप मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो समझ आता है कि कहाँ से कंजर्वेटिज्म शुरू होता है, लेकिन ये इस्लामिज्म जो है वो एक तरह का फासिज्म है, एक तरह की टोटेलिटेरियन आइडियोलॉजी है। तो इनके साथ इनका जो विवाह होता है लेफ्टिज्म का, वो हमने देखा जेएनयू में, और निवेदिता मेनन जो थी उनकी एक बहुत बड़ी चैंपियन थी। कश्मीर में जो इस्लामिज्म हमने देखा 89 में 90 में, ये जो जिहादी आतंकवाद था जो हिंदुओं के खिलाफ था, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, और ये उनके साथ में खड़ी हुई प्रोफेसर मेनन। इनफैक्ट जब भी उन्होंने वहां कहा कि इंडिया ऑक्यूपायर है, इंडिया ऑप्रेसर है, जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, और मैंने इसके खिलाफ मैंने निवेदिता मेनन के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो आप पढ़ सकती हैं, ऑनलाइन भी है। तो उसमें मैंने साफ साफ ये कहा कि निवेदिता मेनन जो है वो एक टोटेलिटेरियन एक फासिस्टिक आइडियोलॉजी की सपोर्टर है, वो इस्लामिज्म की सपोर्टर है, वो टीचर नहीं है, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है, वो पढ़ा नहीं रही है, वो एजुकेट नहीं कर रही है, वो एक्टिविज्म चला रही है, वो एक पॉलिटिक्स चला रही है। तो वो निवेदिता मेनन लेकिन अकेली ऐसी नहीं है, उनके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें अरुंधति रॉय भी आती है, क्योंकि अरुंधति रॉय वही एक महिला है, मैं उनको किसी तरीके से भी इंटेलेक्चुअल नहीं मानती हूँ, वो वही महिला है जिन्होंने जब 26/11 हुआ तो उस वक्त कहा, ये कहा कि जो इस्लामिक टेररिज्म का जो हम लोगों ने उस वक्त स्पेक्टिकल देखा, उस वक्त जो हमने थिएटर देखा मुंबई में, इतने लोग मारे गए, तो उन्होंने कहा कि इसलिए हुआ कि इंडिया में इनइक्वालिटी है, मुसलमान जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी नहीं दे रहा है, वो आज़ादी डिजर्व करते हैं कश्मीर कश्मीरी मुसलमान, क्योंकि क्योंकि इन अ वे वो कह रही थी कि पाकिस्तान का बनना बिल्कुल सही था। उनका कहने का मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि मुसलमान चाहे कितना भी आपको आपके खिलाफ लड़े, आपके खिलाफ जिहाद करे, आपको मारे काटे, आपका नरसंहार करे, वो सब जायज है क्योंकि वो तो माइनॉरिटीज है। तो ये सब जो है, ये निवेदिता मेनन और अरुंधति रॉय जो है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, ये आज की डेट में मैं कहूंगी कलंक है भारत, क्योंकि इन लोगों की वजह से सच छुपाए गए, सच को झूठ करार दिया गया, और एक पूरी कम्युनिटी का जो जनसंहार हुआ वो उसके खिलाफ एक पूरी डिनायल लॉबी जो है वो खड़ी हुई, और वो उसमें मीडिया भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, सिस्टम भी शामिल है, इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल है, एकेडेमिया भी शामिल है, और रूलिंग एलीट के बहुत लोग भी शामिल। जी आरती जी, ये मैडम शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नंबर ऑफ सिटीज एक्सेप्ट फॉर कश्मीर। अगर आपने इनका जो विकिपीडिया पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यू नो विकिपीडिया इज सच अ बायस पेज वेयर व्हेन यू रीड अबाउट कश्मीरी हिंदू जिनोसाइड दे राइट इट वाज एन एग्जोडस, लड़ाइयां हो रही थी छोटी मोटी, तो यू नो दे जस्ट वॉक्ड आउट, देर इज नथिंग अबाउट जिनोसाइड, देर इज नथिंग अबाउट किलिंग इफ यू लुक एट द पेज ऑफ कश्मीरी हिंदूज। Similarly, when they write about her on Wikipedia, they are writing, you know, she was born and brought up in cities like Delhi, Bombay, Calcutta, like that. How come she reached Kashmir? Because she has been one of the forefront runners for separatist activities in Kashmir. ये बोलती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, they have a right to, अच्छा इनका एक नारा भी था कि जब जब पाकिस्तान अलग देश बन गया, बांग्लादेश अलग देश बन गया, तो कश्मीरियों को भी हक है अपना अलग देश बनाने का। These are her statements. She's been anti-CAA. She is anti uniform civil code.
तो जेएनयू से निकल करके सारे वहीं पहुंच जाते हैं, आई मीन सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जेएनयू इज बैड फॉर दैट आई वुड से। देखिए मैंने अरुंधति रॉय ने एक किताब लिखी कश्मीर पर, उस किताब में कई सारे ऑथर्स के एसेज हैं और उस किताब में एक महिला है अंगना चैटर्जी। अब ये अंगना चैटर्जी है, मैं ये सारा कनेक्ट करूंगी आपका निवेदिता मेनन के साथ। ये अंगना चैटर्जी कौन है? ये अंगना चैटर्जी तो बंगाल की है, अरुंधति रॉय तो केरला की है लेकिन बंगाल की भी है, और ये निवेदिता मेनन भी जो है ये तो कश्मीर से नहीं है, अलग अलग सिटी से मैं पली बड़ी है। और ये अंगना चैटर्जी अमेरिकन अमेरिकन बन चुकी है, मेरे ख्याल से अमेरिकन सिटीजन है, सिटीजन का मुझे पता नहीं लेकिन अमेरिका में रहती है। और अंगना चैटर्जी का नाम जो है एक बहुत फेमस केस जो जिसका खुलासा हुआ अमेरिका में, वो खुलासा था गुलाम नबी फाई के बारे में। गुलाम नबी फाई एक बहुत पुराने कश्मीरी मुसलमान हैं जो बहुत पहले कश्मीर से निकल के अमेरिका गए, और अमेरिका में उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया कश्मीर के नाम पर, और उनको बफलो गैंग भी बोलते हैं क्योंकि वो बफलो एक जगह है ईस्ट कोस्ट में, तो वहाँ अमेरिका में उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। और कुछ साल पहले पता चला कि ये जो गुलाम नबी फाय है ये पाकिस्तान ISI के एजेंट हैं। अब ये कश्मीरी अपने आप को बोलते हैं और हमेशा से इन्होंने कहा है कि वो कश्मीर के लिए लड़ते हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, और उनका कोई लेना देना नहीं था पाकिस्तान के साथ। लेकिन अमेरिका में ये लोग गुलाम नबी फाय जो है कन्विक्ट होते हैं एज अ फेलन, कन्विक्ट होते हैं कि उन्होंने ये छिपाया था कि वो ISI के एजेंट है, ISI के स्पाई है, मोल है अमेरिका में, और उनकी जो है एजेंडा ISI का चला रहे थे अमेरिका में सालों साल। और अंगना चैटर्जी उनके गैंग की मेंबर थी, उनके साथ बहुत क्लोजली उन्होंने काम किया। ये लोग ट्रैक टू के जो है कॉन्फ्रेंसेस करते थे जिसमें कि ये इंडियन बुद्धिजीवी जो है उनको बुलाते थे, जैसे कि गौतम नवलखा, जैसे कि और कई सारे लोग हैं जिनको ये बुलाते थे इन ट्रैक टूस में। और ये इनका ये मत होता था कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना है और कश्मीर या तो आज़ाद हो या तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आज़ाद होने का मतलब ही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये लोग जो है ये सारा अंगना चैटर्जी जो है वो ये अरुंधति रॉय के साथ कैसे, ये कैसे हो गया कि वो किताब में लिख रही है उन्हीं के साथ? इनके तो कन्विक्टेड एक क्रिमिनल की गैंग मेंबर है और कन्विक्टेड इसकी इनके साथ ऐसे रिश्ते भी थे इस क्रिमिनल नेक्सस के कि अंगना चैटर्जी को यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये BJP सरकार की सिर्फ बात नहीं है, कांग्रेस को भी, कांग्रेस सरकार ने भी अंगना चैटर्जी को यहाँ अंदर नहीं आने दिया इंडिया, क्योंकि वो उनके खिलाफ इतने सारे सबूत है कि वो इस सब ISI नेक्सस के साथ वो काम करती है। तो इसमें सिर्फ अरुंधति नहीं है, इसमें और भी लोग हैं जैसे पंकज मिश्रा। अब पंकज मिश्रा कौन है? पंकज मिश्रा और अरुंधति रॉय बहुत नज़दीकी दोस्त है, और पंकज मिश्रा का माना जाता है बहुत बड़ा हाथ है अरुंधति रॉय को सेलिब्रिटी बनाने का। और ये निवेदिता मेनन जो है इस सारे नेक्सस, ये जो नेटवर्क है बुद्धिजीवियों का जो इस गौतम लखा, पंकज मिश्रा, अरुंधति रॉय, विलियम डैलरेम्पल, इन सब का जो है एक अटूट अंग है, वो भी एक मेंबर है इस सारे बड़े नेक्सस का। ये सब अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं, सब अपने आप को आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के कहीं ना कहीं मानते हैं कि बड़े बड़े चैंपियंस हैं, लेकिन इनका नाता है इस्लामिस्ट के साथ, इनका नाता है गुलाम नबी फाय जैसे लोगों के साथ, इनका नाता है। अब ये गुलाम नबी फाय का नाता किन किन के साथ है ये भी मैं आपको बता दूं, इनका नाता है जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी क्या है? वो इस्लामिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनली इंडिया ने बैन कर दी कश्मीर की, और इन हिजबुल मुजाहिदीन जो टेरर ग्रुप है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने, जिसको अमेरिका ने, बड़े बड़े देशों ने एक आतंकवादी ग्रुप का डेजिग्नेशन दिया है, तो ये इनके साथ इनका नाता है। तो आप समझिए कि जब हाफिज सईद कहते हैं कि अरुंधति राय रॉय की तारीफ करते हैं तो वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब लश्करे तैयबा, हाफिज सईद, गुलाम नबी फाए, आईएसआई, आईएसआई ने सारे आतंकवादी ग्रुप्स बनाए, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारा दुनिया, सारी दुनिया जानती है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स है, अमेरिका की रिपोर्ट्स है, जितनी भी डेमोक्रेसीज है वहां पे ये छुपा नहीं है। इसी कारण आईएसआई पाकिस्तान जो है एफएटीएफ में, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है जो ये, तो ये लोगों का जो नेक्सेस है आईएसआई के साथ है, आईएसआई का नेक्सेस जो है किनके साथ है, टेरर ग्रुप्स के साथ है, तालिबान के साथ है, अलकायदा के साथ है, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाए गए, पाकिस्तान में। तो ये जो सारी सारे लोग हैं किनकी पैरवी करते हैं, ओसामा बिन लादेन की पैरवी करते हैं, जैश मोहम्मद की पैरवी करते हैं, लश्कर तैयबा जिनका जिसका हाथ था मुंबई टेरर अटैक्स में, उनकी पैरवी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, लेफ्टिस्ट फ्रेमवर्क से करते हैं। ये जो सारा इनका इंटेलेक्चुअलाइजेशन है इस्लामिक टेररिज्म को एक जस्टिफाई करने के लिए, ये पूरे वो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में करते हैं। तो निवेदिता मेनन जो है वो आखिरकार ये क्या आप कह सकते हैं कि ये एक एजुकेशनिस्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके जो सरगना है, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो लंदन में बैठते हैं, वो वॉशिंगटन डीसी में बैठते हैं, ये सारा कश्मीर नेटवर्क जो आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है, मेरे इन्वेस्टिगेटिव पीसेस आप पढ़ सकती हैं कि ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, इनकी फंडिंग अमेरिका से आती है इन सारे टेरर ग्रुप्स की, इनकी फंडिंग यूके से भी आती है, इनकी फंडिंग जो डीप स्टेट्स है अमेरिका की और यूके की और कई सारी कंट्रीज की, इन सब के टेरर ग्रुप्स की फंडिंग भी यही करते हैं, इनको डेजिग्नेट भी यही करते हैं टेरर, और फिर बाद में ये जो लोग बुद्धिजीवी हमारे हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये भारत को गाली निकालेंगे, ये जो विक्टिम है इस्लामिक जिहाद का भारत में उनको गाली निकालेंगे, या आरती टिक्कू को गाली निकालेंगे जो एक विक्टिम रही है, जो जिसने जेनोसाइड जिया है, जिसने जेनोसाइड एक्सपीरियंस किया है, ये उसको गाली निकालेंगे। तो ये लोग जो है, ये लोग ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते तो मैं कहती कि हाँ ये थोड़े ह्यूमन है, ये कहीं के ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, इनमें कहीं ह्यूमैनिटी का कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जो ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंड करे वो इन लोगों का साथ नहीं दे सकता, इस्लामिक जिहाद का साथ नहीं दे सकता, लेकिन ये साथ देते हैं, और तभी जाके फिर हाफिज सईद जैसे लोग जो मास्टरमाइंड थे मुंबई टेरर अटैक के, वो इनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये इनकी कहानी है निवेदिता की और अरुंधति की। Anything else you would like to add before I wind up? देखिए मैं यही कहूंगी कि इनका इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, इनका सपोर्ट सिस्टम है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की, जो स्टेट्स है, डीप स्टेट्स है, इनका सपोर्ट सिस्टम वहां से कनेक्टेड है, इनका सपोर्ट सिस्टम उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो लोग, मैंने कहा कि मेरे इन्वेस्टिगेटिव पीसेस है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि अमेरिका की डीप स्टेट ने कैसे इन सब जो है ऑर्गेनाइजेशंस को, जितने भी ये जमात इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन है, इन सबको कैसे इन्होंने फंड किया, कैसे इन्होंने सपोर्ट किया, और यही सारी जो है, अगर आप देखेंगे फोर्ड फाउंडेशन, अगर आप देखेंगे कई सारी अमेरिकन जो एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक वक्त पे झोला छाप कहा जाता था भारत में, ये सब अब अमेरिकन डीप स्टेट एक तरफ से ये इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रही है,
यूके की जो है ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर। सो यू मीन टू से आरती जी दैट दीस पीपल लाइक निवेदिता मेनन, अरुंधति रॉय एंड द लेफ्टिस्ट कबाल, दे आर बेसिकली यूज्ड एंड बीइंग प्रमोटेड बाय द डीप स्टेट्स ऑफ द वेस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेसिफिकली यूएसए एंड यूके? बिल्कुल, मुझे लगता है इनको खुद को मालूम नहीं होगा कि ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनको शायद पता ही नहीं होगा कि इनको कैसे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि इनको लगता है ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। लेकिन इन अगर ये थोड़ा सा भी पढ़े, ये मैं कुछ भी, मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्या कनेक्शन है टेरर ग्रुप्स के साथ। उन्होंने, गीता सहगल ने इसके बारे में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, लेकिन ये लोगों को लगता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक मूवमेंट चलाया, एक कैंपेन चलाया अमेरिकन डीप स्टेट ने, यूके की डीप स्टेट ने, और इन सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ भेजा, और ये उस उन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, उनके साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, और उनका जो नैरेटिव है, उनका जो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ, उसको मान के चलते हैं। लेकिन इनको समझ ही नहीं है कि ये सारी जो चीजें हो रही है, ये करवा कौन रहा है। अमेरिका ने लाखों लाखों मुसलमान मिडल ईस्ट में मरवाए, वॉर में, इराक में, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह ये क्यों नहीं बात करते हैं, ये क्यों नहीं बात करते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने ये क्या जो इतना इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया दुनिया का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है। इन लोगों की इतनी समझ नहीं है, ये लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने समझ नहीं है, या फिर सर्टेन पेनीज मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, पैसा बहुत मायने रखता है। बहुत बड़ा पॉइंट कहा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो क्रिएट की इंडिया में, ह्यूमन राइट्स की जो एक इंडस्ट्री बन गई, जिसमें जंकेट्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस, ये जो वाइन एंड डाइन पार्टीज, यहाँ से जंकेट्स में फॉरेन कंट्री जाना, एक लग्जूरियस लाइफ जीना, एक लाइफस्टाइल, वो सब जो है वो बेनिफिट्स कौन, मेरे ख्याल से इन लोगों को वो उस चीज की आदत पड़ गई है और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये वही है, मैं कहूंगी कि अपने आप को मार्क्सिस्ट तो कहते हैं, लेकिन है ये आरती जी, व्हाट आई हैव हर्ड वन थिंग, एंड आई सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग इन बिटवीन, लेफ्टिस्ट के बारे में ना एक बहुत कॉमन सेइंग चलती है ग्राउंड पे, इफ यू हैव नोटिस्ड, दिन में तो झोला छाप, रात को सिगार छाप, वन सिगार, क्यूबन सिगार, हवाईयन सिगार विद अ सिंगल मॉल्ट ऑफ विस्की, और साथ में अगर कोई मैडम हो बगल में तो फिर सोने पे सुहागा। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द यू नो द लेफ्टिस्ट कपाल दीस डेज। सो व्हाट दे पुट इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट दे लिव इन द डे टाइम इज वेरी डिफरेंट व्हाट देन व्हाट दे लिव इन द नाइट टाइम। उनके उनके पर्सनल लाइफ में क्या होता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पर्सनल लाइफ में आरती जी, इवन आई डोंट लाइक टू गो इनटू द पर्सनल लाइफ, बट देयर पर्सनल लाइफ इज द वन व्हिच इज कनेक्टिंग देम टू द प्रोफेशनल लाइफ एक्चुअली। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ का जो भी उनकी चॉइसेस है, उसकी वजह से बाकियों की पब्लिक लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी जो उन्होंने जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए जो उन्होंने इतनी जो उन्होंने हार्म पहुंचाया है, इतना जो उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, उस पे ऑब्जेक्शन है, उस पे गुस्सा आता है कि उन्होंने कितने सारे विक्टिम्स के साथ जो है उनका सच बोलने नहीं दिया, इस पे गुस्सा आता है। आरती जी, आप आए, आपने इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी थ्रू जॉइनिंग, बिकमिंग अ मेंबर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।